अच्छा, अब भी आप कुछ नहीं कहेंगे? मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। शुक्रिया अदा करना था, वो किस लिए? आपने अम्मी को शबरीज की कॉल्स के बारे में नहीं बताया। और ये भी नहीं बताया कि शबरीज ने मुझे फोन दिया, इसलिए थैंक यू। तो आप क्या चाहती थी, कि मैं आंटी को सब कुछ सच सच बता देता? नहीं, ये तो मैं यकीनन नहीं चाहती थी। तो बस फिर मैंने वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था। जब आपसे रिश्ता जोड़ लिया है तो आपकी परेशानियों से भी तो जुड़ गया हूं ना। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उस दिन आपने होटल में शबरीश के सामने मुझे तरजीह दी। इसी तरह भरोसा करके अगर फोन के बारे में भी बता दिया होता तो और अच्छा लगता। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ कि अब ये फोन सिर्फ आपके और शबरीश के ताल्लुक को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। क्या सोचने लगी हैं आप? आप परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। चलता हूं।